गुड मॉर्निंग 12th क्लास स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग चैप्टर नंबर 3 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड इन द यस्टरडेज क्लास वी आर डिस्कस अबाउट फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, हमने डिस्कस किया था पूरा फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। लेट अस हैव अ क्विक रिवीजन अबाउट दिस। बेसिकली फैराडेज लॉ माइकल फैराडे साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिए थे, एंड दिस लॉ डिस्क्राइब द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स क्या होती है? यू जस्ट प्रोवाइड इलेक्ट्रिसिटी और आप उससे कोई केमिकल रिएक्शन कराते हो। अब जब आप केमिकल रिएक्शन कराते हो तो वहाँ जब हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं, वी मेजर द अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस प्रोड्यूस। भाई मुझे कैसे पता चलेगा कोई केमिकल रिएक्शन हुई है? मेरा कोई सब्सटेंस फॉर्म होगा, उस सब्सटेंस का हम अमाउंट मेजर करेंगे एंड वो दैट अमाउंट इंडिकेट दैट हाउ मच रिएक्शन विल टेक्स प्लेस। सपोज करो मुझे सोडियम प्लस आयन को सोडियम में कन्वर्ट करना है, तो मेरा कितना सोडियम ऑप्टेन हुआ है वही तो मुझे रिएक्शन का एक्सटेंट बताएगा। अगर मेरा सोडियम का मास ही नहीं मिला, इट मीन्स रिएक्शन विल नॉट अकर। तो इट मीन्स फैराडेज लॉ, माइकल फैराडे ने फर्स्ट लॉ किया था माइकल फैराडे का, इट स्टेट्स दैट द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट इज डिपॉजिट एट एनी इलेक्ट्रोड, किसी भी इलेक्ट्रोड पर जो अमाउंट डिपॉजिट हो रहा है या कोई गैस लिबरेट हो रही है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द क्वांटिटी ऑफ चार्ज पास। सिंपल है, जितना इलेक्ट्रिसिटी आप पास करते जाओगे रिएक्शन का रेट उतना इंक्रीज होता जाएगा। डब्ल्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यू, W is equals to ZQ. Z is known as to be chemical equivalence. Z को हम क्या बोल रहे हैं? Chemical equivalence. And Q, that is charge, which is the unit of charge. The unit of charge is coulomb. Q को हम find out करते हैं I into T. I आपका current है और T आपका time है. That will be in second. ठीक है? उसके अलावा हमने Z देखा, Z chemical equivalence के equal होते हैं. Z को हम निकालेंगे कैसे? E divided by 96500 coulomb. E क्या है आपका? इक्विवेलेंट वेट, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है इक्विवेलेंट वेट, हमने फाइंड आउट किया हुआ है। कैसे निकालते हैं? मोलर मास डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो भी अनचेंज अंडर हो गया है। ठीक है, इसे एग्जांपल समझिए, मैग्नीशियम 2 प्लस मैग्नीशियम डिपॉजिट की मैग्नीशियम के फॉर्म में डिपॉजिट हो रहा है। व्हाट विल बी द मोलर मास ऑफ मैग्नीशियम? 24। तो इसका इक्विवेलेंट मास क्या होगा? 24 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दैट आर चेंजिंग आर 2। तो ये हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ हो गया। अब हम इस क्वांटिटी को देखते हैं, ये जो 96500 जो ये क्वांटिटी आई है, ये कहाँ से आई है? और वही जो हम अभी देखेंगे वही हमें हेल्प करेगा क्वेश्चंस को करने में। सो लेट अस डिस्कस अबाउट दिस क्वांटिटी 96500। ये आया कहाँ से है इस लॉ में? तो ये आया ऐसे है बेटा, आपने सपोज करो मैं कोई भी इक्वेशन ले लू, ओके, इट गिव्स एम सॉलिड। ऑब्वियसली बात है, कोई भी आपका मेटल सॉलिड हो या कुछ भी हो, कोई भी मेटल आपका पॉजिटिव, अगर मेटल ने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, वो किसी भी इलेक्ट्रॉन पर जाकर रिड्यूस हुआ है। ठीक है, सपोज करो ये इक्वेशन है। अब मुझे देखना है इस इक्वेशन में कि कितना अमाउंट ऑफ चार्ज मैंने पास किया कि मुझे मेटल सॉलिड मिल गया, कितना अमाउंट हम चार्ज का पास करेंगे कि मुझे मेटल किस फॉर्म में मिल गया? सॉलिड फॉर्म में। तो आपको पता है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज, चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन इज 1.602 इंटू 10^-19 कूलम, दैट इज द चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज, वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होगा? वन मोल का मतलब सिंपल सी क्वांटिटी है 6.022 इंटू 10^23 इंटू 1.602 इंटू 10^-19 कूलम। ठीक है, ये हो गया आपका। जब आप इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं, इट इज कम्स आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली, इसकी जो वैल्यू आती है दैट इज अप्रोक्सीमेटली 96472 कूलम पर मोल। ठीक है, और इसी को ही हम अप्रोक्सीमेटली लिखते हैं 96500 कूलम पर मोल। और इसको फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया था, इसलिए हम वन फैराडे भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वन फैराडे। तो वो जो वहां पर हमने केमिकल इक्विवेलेंस में जो टर्म लिया था 96500, वो यहां से आया था। एंड ये एक स्टैंडर्ड क्वांटिटी है दैट अगर आप वन मोल इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हो, मतलब किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए अगर आपका वन मोल इलेक्ट्रॉन यूज हुआ है, इट मींस वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कैरी वन फैराडे ऑफ चार्ज। लाइन का मतलब ये है कि अगर आप वन मोल इलेक्ट्रॉन किसी भी इक्वेशन में यूज करते हो, ऑब्वियसली बात है या आइदर द इलेक्ट्रॉन विल लूज आउट और आइदर अ इलेक्ट्रॉन विल गेन, तो एक इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, दैट इज इक्वल्स टू वन फैराडे एंड इट्स कम्स आउट टू बी 96500 कूलम। अब हम देखते हैं हम न्यूमेरिकल किस बेसिस पे सॉल्व करेंगे यहाँ पर। चलिए एक न्यूमेरिकल हम लोग लिखते हैं, एनसीईआरटी का ही है, सिंपल सा न्यूमेरिकल हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक है, द न्यूमेरिकल इज
अच्छा यहाँ पर दिए हुए हैं, दीज आर द एक्सरसाइज क्वेश्चन, एनसीईआरटी का ही एक्सरसाइज का है, आपको दिखा हुआ है सिंपल। पहले हम मास की बास की बात बाद में करेंगे, पहले हम चार्ज की ही बात करते हैं, ठीक है। दिस इज क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व है एनसीईआरटी का। द क्वेश्चन इज हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। पहले हम चार्ज की बात करेंगे फिर हम मास की बात करेंगे। फॉर द फॉलोइंग रिडक्शन, अब आप देखिए फैराडेज लॉ, इट इज अ रिलेशन बिटवीन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिपॉजिट एंड चार्ज फ्लो थ्रू इट। लेकिन यहां पर हमें कहीं भी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस नहीं पूछा है, हमसे सिर्फ इस क्वेश्चन में इतना पूछा है कि इस इन रिडक्शंस को कराने के लिए हाउ मच चार्ज इज यू रिक्वायर्ड। तो यहां पर हम फैराडे लॉ यूज नहीं करेंगे, वैसे भी हम डायरेक्ट फैराडे लॉ को यूज नहीं करते, हम अपने सिंपल सिंप्लीफिकेशन मेथड से चलते हैं। मैं आपको दोनों चीज बता दूंगी दोनों चीज किस तरीके से होगी। तो अब हम चलते हैं, सपोज करो फर्स्ट पार्ट इन्होंने दिया हुआ है हमें, फर्स्ट पार्ट इज वन मोल ऑफ एल्यूमिनियम प्लस थ्री आयरन टू एल्यूमिनियम, ठीक है। इट मीन्स आपको बताना है कितना चार्ज आपको रिक्वायर्ड होगा एल्यूमिनियम थ्री प्लस को एल्यूमिनियम में रिड्यूस करने के लिए। अब चार्ज निकालने के लिए मीन्स क्यू निकालने के लिए या तो मेरे पास करंट हो और टाइम हो, ये दोनों चीजें जरूरी थी या नहीं जो हमने फैराडे लॉ देखा था। बट व्हेन वी हैव डिस्कस अबाउट दैट क्वांटिटी 96500 कूलम, देन वी सी देयर दैट 96500 कूलम चार्ज इज रिक्वायर्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ द स्पीशीज विच रिक्वायर्ड वन इलेक्ट्रॉन। अगर वन मोल इलेक्ट्रॉन है तो उसके लिए चार्ज कितना चाहिए 96500 कूलम, ये मुझे पता है। तो यहाँ पर अगर मुझे ये पता चल जाए कि इलेक्ट्रॉन कितने यूज हो रहे हैं तो मैं चार्ज निकाल सकती हूँ। तो चलिए हम इस इक्वेशन को लिखते हैं, एल्यूमिनियम 3++3 इलेक्ट्रॉन इट गिव्स एल्यूमिनियम, ये इक्वेशन होगी। आपको पता है चार्ज रिक्वायर्ड फॉर वन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वन फैराडे होता है या नहीं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन कितने हैं, थ्री मोल, तो थ्री मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, थ्री फैराडे, यानी थ्री वन फैराडे का मतलब, फैराडे का वन फैराडे का मतलब क्या होता है 96500 कूलम। यहाँ कैलकुलेट करके लिखिए, सिंपल चार्ज आ गया, हमें कुछ करना ही नहीं है इस क्वेश्चन में। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू नाउ। चलिए नेक्स्ट हम मास का, हमने डिपोजिशन ऑफ मास की बात कर रहे हैं तो हम मास के ही क्वेश्चन कर देते हैं। द क्वेश्चन इज नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बाकी पार्ट्स हैं वो आप लोग खुद कर लीजिए बेटा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.13, फर्स्ट पार्ट आपको निकालना है हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी, मैं लिख देती हूं हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी या चार्ज, हाउ मच इलेक्ट्रिसिटी इन टर्म्स ऑफ फैराडे, फैराडे टर्म्स में निकालना है, कूलम्ब में निकाला, वैसे कोई दिक्कत नहीं है, फैराडे में आ जाए तो 96500 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, फर्स्ट पार्टी में ले रही हूं 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम फ्रॉम मॉल्टन कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। इट मीन्स आपको बताना है अगर मुझे 20 कैल्शियम क्लोराइड के मॉल्टन स्टेट के इलेक्ट्रोलाइट से इफ आई हैव टू प्रोड्यूस 20 ग्राम ऑफ कैल्शियम देन हाउ मच चार्ज इज रिक्वायर्ड। तो अगर आप वो वाला फॉर्मूला देखो, W इज इक्वल्स टू क्या बताया था मैंने, W इज इक्वल्स टू Z इंटू क्यू, Z हमारा क्या था E अपॉन 96500, Q आपको यहाँ पर निकालना है, वेट आपको दिया हुआ है दैट इज 20। E आप कैसे निकालोगे, मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, E को मैं अगर ना लिखूं तो मोलर मास अपॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको पता है कैल्शियम का मोलर मास कितना होता है 40, कैल्शियम का मोलर मास 40 होता है, इस इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन में चेंज 2 का आएगा और आप यहां से इस वैल्यू को W Q को निकाल सकते हैं, W आपको पता है 20। एक तरीका तो ये है निकालने का, सिंपल फॉर्मूला लिखा फैराडे। एक और तरीके से चलते हैं जिसे मैं हम अधिकतर हम सब लोग ज्यादातर उसे यूज करते हैं हम लोग, कैसे आप देखिए इस इक्वेशन में लिखिए मोल्टन कैल्शियम क्लोराइड का मतलब क्या, उसके अंदर कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन होंगे, ठीक है। कैल्शियम 2 पॉजिटिव आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेके किसमें कन्वर्ट होंगे, कैल्शियम में। व्हाट इज द हाउ मच अमाउंट ऑफ कैल्शियम इज प्रोड्यूस हियर, 1 मोल ऑफ कैल्शियम इट मींस 40 ग्राम पर मोल, ठीक है। अब आप देखिए
पूछा। अब आप देखिए 40 ग्राम कैल्शियम कितने इलेक्ट्रॉन से प्रोड्यूस हुआ है, 2 इलेक्ट्रॉन से। और जब 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1 फैराडे, तो 2 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करेगा, 2 फैराडे। तो पहले यहां पे लिखिए चार्ज कैरीड बाय 2 इलेक्ट्रॉन, बाय 2 इलेक्ट्रॉन कितना है, 2 फैराडे है। इट मींस 40 ग्राम ऑफ कैल्शियम डिपॉजिट बाय 2 फैराडे, कितने से डिपॉजिट हुआ है, 2 फैराडे। तो आप 20 ग्राम कैल्शियम निकाल सकते हैं या नहीं। और जब आप इस वैल्यू को यहां रखोगे, तो आप देखोगे यही सेम चीज वहां पर आपको मिलेगी। आप चाहे तो पुट करके देख लीजिए, बट आप जब इन इसे और इस फॉर्मूले को कंपेयर करेंगे सेम आएगा। यहाँ पर मैंने आप 96500 की जगह 1 फैराडे भी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इन दोनों क्वेश्चन को कंपेयर करोगे तो आनी यही चीज है। तो आई होप दैट इट इज क्लियर टू यू, ठीक है। तो इस तरीके से आप इन क्वेश्चन को करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट आता है बेटा सेकेंड लॉ, फैराडे का सेकेंड लॉ, फैराडे सेकेंड लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। सेकेंड लॉ क्या कहता है, सेकेंड लॉ कहता है सपोज करो 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन है, ठीक है। ये भी ये इलेक्ट्रोलाइट 1 है, इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट है और ये सेकेंड है। इन दोनों को किसने कनेक्ट किया है, कनेक्टेड इन सीरीज, कनेक्टेड इन सीरीज। इसे एक साथ इस ऐसे तरीके से कनेक्ट कर दिया है किसी भी तरीके से। आपको पता है जब सीरीज में कनेक्ट करते हैं तो चार्ज विल बी सेम, चार्ज सेम होता है आपका। जब हम अमाउंट जो करंट का पास होता है वो सेम होता है, करंट का अमाउंट सेम है, इट मींस चार्ज विल बी सेम। तो जब आप सीरीज में कनेक्ट करते हो किन्हीं भी सॉल्यूशंस को, इलेक्ट्रोलाइट्स को, तो जो उनके थ्रू चार्ज होता है फ्लो, दैट विल बी सेम, ठीक है। अब इसने क्या कहा, वेल फैराडे सेकंड लॉ स्टेट दैट व्हेन 2 इलेक्ट्रोलाइट्स आर कनेक्टेड इन अ सीरीज देन मास ऑफ द सब्सटेंस डिपॉजिट एट रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रॉन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट मासेस। इट मींस जब आप इन दोनों 2 इलेक्ट्रोलाइट को सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो, ठीक है, तो सीरीज में जब हम कनेक्ट करते हैं तो आपको इक्वेशन पढ़िए, W1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू U1। फैराडे फर्स्ट लॉ यही था, इसके लिए ये हो गया। और W2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। W1 is equals to Z1 Q1, W2 is equals to Z2 Q2। दोनों सीरीज में कनेक्टेड है, इट मींस Q1 is equals to किसके इक्वल होगा, Q2 के। अब इन दोनों को डिवाइड करो 1 और 2 को, तो W1 upon W2 is equals to Z1 upon Z2। और इस इक्वेशन को अगर मैं सॉल्व करूंगी तो ये E1 upon E2 आ जाएगा। E1 और E2 क्या है, इलेक्ट्रो आपके इक्विवेलेंट वेट है। Z का फॉर्मूला होता है E upon 96500, आप पुट करिएगा तो ये इक्वेशन आएगी, दैट इक्वेशन इज ऑफ सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। फैराडे का सेकंड लॉ सिंपल ये होता है, इफ यू आर कनेक्टिंग 2 इलेक्ट्रोलाइट इन द सीरीज देन द अमाउंट डिपॉजिट एट द रेस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इक्विवेलेंट वेट। जो जो आपका अमाउंट डिपॉजिट होगा वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शन होगा, उनके इक्विवेलेंट वेट के। तो आपने देख लिया ये फॉर्मूला हमने कहाँ से इंट्रोड्यूस किया है, इनका जो रेशियो है। तो ये आपका हो गया सेकंड लॉ, इसके क्वेश्चंस है नहीं हमारे सिलेबस में भी नहीं है फैराडे का सेकंड लॉ ऐसे, ठीक है। तो इतना ही है, चलिए अब हम आई होप क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देती हूँ, एक क्वेश्चन और करा देती हूँ मैं फर्स्ट लॉ के बेसिस पे। ये क्वेश्चन कराने का इसलिए मतलब है कि आपको थोड़ा सा रिडॉक्स रिएक्शन के बारे में याद होना चाहिए, ठीक है। इसमें हमने पूछा है हाउ मच चार्ज क्यू आपको निकालना है, 1 मोल ऑफ MnO4- को रिड्यूस करोगे Mn2 पॉजिटिव में। अगर आपका 1 मोल ऑफ MnO4- Mn2 पॉजिटिव में जा रहा है तो उसके लिए आपको जो रिडक्शन करना है, कितना चार्ज रिक्वायर्ड होगा वो हमें निकालना है। तो सबसे पहले आपको इक्वेशन पता होनी चाहिए, इन इक्वेशन को डायरेक्ट हम लिखते हैं, डायरेक्ट हम कैसे लिखते हैं देखिए। Mn की यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, +7। इट मींस मैग्नीज अपनी +7 ऑक्सीडेशन स्टेट में से किसमें गया है, Mn2 पॉजिटिव में गया है। इलेक्ट्रॉन का चेंज कितना हुआ है, 5 इलेक्ट्रॉन का। अदरवाइज आप यहाँ पर रेडॉक्स रिएक्शन के मेथड यूज कर सकते हैं आयनिक इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए। अदरवाइज यहाँ पे साफ दिख रहा है मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 है, +7 से +2 गया है, चेंज कितने इलेक्ट्रॉन का हुआ, 5 इलेक्ट्रॉन का। इट मींस 1 इलेक्ट्रॉन कितना चार्ज कैरी करता है, 1 फैराडे और 96500 कूलम। तो इसमें कितना चार्ज चाहिए हमें, 5 इलेक्ट्रॉन वाला, इट मींस 5 फैराडे। तो ये इक्वेशंस आपको पता होनी चाहिए आप किस तरीके से सॉल्व करोगे।
सो दिस इज अबाउट इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस. अब हमारा हमने दो कॉन्सेप्ट इस चैप्टर के फिनिश कर दिए. फर्स्ट वी हैव डिस्कस्ड अबाउट इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, सेकेंड हमने डिस्कस किया इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. अब इसमें थर्ड पार्ट आता है that will contain both the portion numerical as well as theoretical and both have the equal weightage. या तो numerical question आ जाए या फिर कोई आपका theoretical question आ जाए इसमें से. अब हम last आपका जो मैंने आपको बताया था याद हो तो first lecture में तीन उसमें तीन parts में हमने इस chapter को divide किया था. एक हमारी cells थी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स और हमारा दूसरा क्या था इलेक्ट्रोलाइटिक सेल. और इसके बाद हमारा लास्ट में जो आता है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट. उसके बाद में हम अलग से इस चैप्टर में बैटरीज को और पढ़ना है वो हम बाद में पढ़ेंगे. पर हम जरा कॉन्सेप्ट क्वेश्चन कॉन्सेप्ट वाले पार्ट पे आ जाते हैं. हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है इस चैप्टर का दैट इज कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट. कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है. अभी तक हमने जितना पढ़ा देखा, ठीक है, अभी तक आपने देखा होगा व्हेन यू हैव डिस्कस अबाउट द कंडक्टिंग प्रॉपर्टी. आपने फिजिक्स में जब आप कंडक्टिंग प्रॉपर्टी की बात करते हो इट इज बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन. यानी हमारी जो बेसिकली कंडक्टेंस की अगर मैं बात करूं तो आपकी जो ये कंडक्टेंस टर्म है ये दो टाइप की होती है. एक होती है आपकी मेटेलिक जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक भी बोलते हो और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक. इलेक्ट्रोलाइटिक मेटेलिक होती है मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रॉन की वजह से और ये किस वजह से होती है आयंस की वजह से. मींस करंट फ्लो बिकॉज ऑफ टू थिंग्स आइदर ऑफ इलेक्ट्रॉन और आयंस. दोनों में से अगर कोई भी मूव करे तो क्या फ्लो होता है करंट, आपका करंट फ्लो होता है. तो बेसिकली फिजिक्स में हम मेटेलिक और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस को पढ़ते हैं बट इन केमिस्ट्री वी हैव डिस्कस अबाउट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. हम यहाँ पर क्या डिस्कस करेंगे अपना इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे. इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इट इज प्रेजेंट बिकॉज ऑफ आयंस. अब बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जिसपे हमारी ये डिपेंड करती है दोनों चीजें. हमारी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस और दूसरी हमारी डिपेंड करती है आयंस पर. ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है ये ऑब्वियस सी बात है ये मेटल पर डिपेंड करेगी. मेटल नेचर मेटल का नेचर कैसा है बिकॉज जनरली बैलेंस इलेक्ट्रॉन मेटल में ही होते हैं. तो आपका सबसे पहला फ्री इलेक्ट्रॉन, जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे उतना ज्यादा कंडक्टेंस होगी. मेटल के जो भी आपने सब्सटेंस लिया है उसके नेचर पर भी डिपेंड करेगी कि उसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन है या नहीं. टेम्परेचर पे डिपेंड करती है ऑब्वियस सी बात है. व्हेन द टेम्परेचर इज इंक्रीज मेटेलिक कंडक्टेंस भी डिक्रीज. तो ये सारे इसके फैक्टर है किस किस पे डिपेंड करता है. एक आपका नेचर ऑफ सब्सटेंस जो आपने लिया है, दूसरा नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन, तीसरा टेम्परेचर पर. ये जनरली क्या होती है डिक्रीज विद इंक्रीज इन टेम्परेचर जो आपकी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होती है. अब हम यहाँ पर देखते हैं जो हमें पढ़ना है कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस. ऑब्वियस सी बात है किस पे डिपेंड करेगी आयंस है. तो सबसे पहला होगा आपका नंबर ऑफ आयंस और द नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यहीं से हम क्या बोल सकते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. आपको याद हो तो आपने 10th क्लास 11th में इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट में हमने दो चीजें पढ़ी थी. एक वीक इलेक्ट्रोलाइट होता है एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है. वीक मींस जो आयंस में टोटली डिसोसिएट ना हो, स्ट्रॉन्ग मींस जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाए. तो इट मींस इफ योर इलेक्ट्रोलाइट इज स्ट्रॉन्ग देन कंडक्टेंस विल बी मोर बिकॉज उसमें ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होंगे. अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है लेसर नंबर ऑफ आयंस विल बी देयर. दूसरा आपका डिपेंड करता है कंसेंट्रेशन पे. किस पे कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे मींस आपके सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा है सॉल्यूट कम है. उसके अलावा डिपेंड उसके अलावा डिपेंड करता है मोबिलिटी. मोबिलिटी ऑफ आयंस मींस आयंस मूव कर रहे हैं या नहीं. आयंस अगर मूव कर रहे हैं तो वो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे. आपका उसके बाद डिपेंड करता है सॉल्वेशन ऑफ आयन. सॉल्वेशन ऑफ आयन सॉल्वेशन ऑफ आयन का मतलब क्या है आपने पढ़ा था याद है जब हम लोगों ने उसमें एस और पी ब्लॉक में जब हम सॉल्वेशन इफेक्ट को स्टडी कर रहे थे तो वहां पर हमने सॉल्वेशन के बारे में पढ़ा था. अब आप देखिए सपोज करो एक आयन तो ये है छोटा सा और एक आयन है ये, ठीक है. अब
अब क्या करना है, वाटर मॉलिक्यूल, मैंने इसमें वाटर डाला, आयन है ये हमारे, ये भी आयन है, ये भी आयन है, मैंने वाटर मॉलिक्यूल डाल रही हूँ, ठीक है, वाटर मॉलिक्यूल इससे आके अटैच हो गए, ठीक है, ऐसे इस केस में इससे आके वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो गए। इट मीन्स जब आप आयन्स को डाइल्यूट करते हो, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को डाइल्यूट करते हो, आयन्स गेट सॉल्वेटेड, ठीक है, जब आयन सॉल्वेटेड हो जाते हैं तो आपको पता था सॉल्वेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती थी, साइज ऑफ आयन पे, स्मॉलर द साइज ऑफ आयन लार्जर विल बी द सॉल्वेशन और हाइड्रेशन एंथैल्पी, आपने पढ़ा है ये चीज, जितना छोटा साइज होगा आपके आयन का उसे उतने ही ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल इजिली सराउंड कर सकते हैं, मतलब आप ये देखो बहुत वीक है, छोटा है, बहुत वीक है, इजिली आकर किसी ने उसे कैप्चर कर लिया, बट जो द बिग वन, जो जिसकी स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा समझ लीजिए, उसे इजिली कोई कैप्चर नहीं कर पाया। तो जब आप आयन्स को सॉल्वेट करते हो, सॉल्वेशन ऑफ आयन करते हो, तो उसके इसमें आयन्स क्या होते हैं, आयन्स की मोबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, आयन्स की मोबिलिटी पे इफेक्ट क्यों पड़ता है, क्योंकि उनके साइज पे इफेक्ट पड़ता है। तो वहां पर भी हमने एक ऑर्डर पढ़ा था ज्यादा, लिथियम, सोडियम, कैल्शियम आयन्स का एक, लिथियम का, सोडियम, सोडियम पोटेशियम आयन का एक ऑर्डर पढ़ा था मोबिलिटी ऑफ आयन्स में, कि जितना अगर आप नॉर्मली देखो बिना सॉल्वेशन के देखो तो जो स्मॉलर साइज है वो ज्यादा जल्दी मूव करेगा, बट आफ्टर द सॉल्वेशन इफेक्ट जो स्मॉलर साइज वाला आयन था बिकॉज ऑफ द मोर सॉल्वेशन वो ज्यादा बिग हो जाएगा साइज में, उसकी वजह से उसका सॉल्वेशन, उसका मोबिलिटी क्या हो जाएगी, कम। लेट रिकॉल दिस कॉन्सेप्ट, 11th क्लास में हमने बहुत लास्ट में ही पढ़ा है, तो आपका क्या हो गया सॉल्वेशन ऑफ आयन, और सबसे लास्ट आपका दैट इज टेम्परेचर, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इट जनरली इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज करने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ आयन्स इंक्रीज होते हैं, जिसकी वजह से मोबिलिटी ऑफ आयन्स इंक्रीज होगी और आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो ये हमारे फैक्टर है, इसमें से आपको दो फैक्टर याद रखने हैं, एक तो आपका नंबर ऑफ आयन्स और दूसरा मोबिलिटी ऑफ आयन्स, जितने ज्यादा नंबर ऑफ आयन्स कंडक्टेंस विल बी मोर, जितना ज्यादा मोबिलिटी ऑफ आयन्स कंडक्टेंस विल बी मोर, तो ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अब हम इसके बारे में थोड़ा सा फिजिक्स के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, जैसे हमने फिजिक्स में कुछ टर्म्स पढ़ी थी कंडक्टेंस के साथ, उन्हीं टर्म्स को एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहला आपका आता है रेजिस्टेंस, पढ़ा होगा आपने, रेजिस्टेंस को डिनोट करते हैं आर से, यूनिट होती है इसकी ओम, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ओम, ठीक है। रेजिस्टेंस क्या होता है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच रेजिस्ट द फ्लो ऑफ करंट, ये किसी भी सब्सटेंस की वो प्रॉपर्टी है जो करंट के फ्लो को रेजिस्ट करेगी। दूसरा आपका होता है कंडक्टेंस, क्या होता है कंडक्टेंस, कहीं कहीं उसे जी और कहीं पर उसे सी से भी डिनोट किया होता है, कंडक्टेंस इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस मींस 1/r, तो इसकी यूनिट क्या हो गई ओम इनवर्स, इसे ऐसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं, कहीं पर हम मोह लिखते हैं और कहीं पर हम साइमन भी लिखते हैं, साइमन, ये सारे यूनिट किसकी है कंडक्टेंस की, इस तरीके से डिनोट करो ओम इनवर्स मोह और साइमन, ये सारी आपकी किसकी यूनिट हो गई कंडक्टेंस की। तो कंडक्टेंस क्या होता है, द प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस विच विल अलाउ द फ्लो ऑफ अ करंट। यही से हम कुछ और चीजों को लेंगे, क्योंकि हमें आयन्स इलेक्ट्रोलाइट से रिलेट करना है, सॉल्यूशन से रिलेट करना है, तो हम इन चीजों को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। अगर आप रेजिस्टेंस को डिफाइन करो तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मींस जितना ज्यादा लेंथ होगा, मतलब जितना ज्यादा लेंथ होगा किसी भी वायर का रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा, जितना कम एरिया होगा रेजिस्टेंस उतना ज्यादा होगा। आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल, आर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, मींस लेंथ आपका अगर ज्यादा है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है, एरिया अगर आपका कम है तो, एरिया अगर कम है तो भी रेजिस्टेंस क्या है ज्यादा। कैसे समझिए, अगर उसे इलेक्ट्रॉन या आयन को थोड़ा दूर, जरा सा दूर चलना होगा तो हो सकता है वो इजिली चला जाए, लेकिन जब उसे ज्यादा लेंथ ट्रेवल करनी होगी तो ज्यादा लेंथ ट्रेवल करने में हो सकता है दैट इट विल फेस अ काइंड ऑफ हिंड्रेंस, ठीक है, मतलब कम थोड़ा सा, सपोज करो आपको 1-2 स्टेप आगे करने हैं, आपने इजिली करनी है, अब आपसे कहे आपको कोई 10 स्टेप आगे चलना है तो हो सकता है ना कोई हिंड्रेंस आए रास्ते में, तो ये किस पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस लेंथ पे डिपेंड करेगा, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा लेंथ के। दूसरा आपका एरिया, ठीक है, एरिया जितना ज्यादा होगा रेजिस्टेंस उतना
कम होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर एरिया आपका कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा है। कैसे? एक इलेक्ट्रॉन को एक केस में इतने एरिया में मूव करना है और एक केस में इतने एरिया में मूव करना है, तो आप देखो किस एरिया में वो, किस केस में वो ज्यादा इजीली मूव करेगा, जहां पर उसे एरिया ज्यादा मिल रहा है। तो अगर एरिया ज्यादा होगा तो रेजिस्टेंस कम है, एरिया अगर कम है तो रेजिस्टेंस ज्यादा होगा। सो इट इज द प्रॉपर्टी। जब हम इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो यहां पर हम एक कॉन्स्टेंट लाते हैं, दैट इज रो। रो, रो इसे बोलते हैं, रो इज नोन टू बी रेजिस्टिविटी। क्या बोलते हैं रो को? हम रेजिस्टिविटी। और इसकी यूनिट अगर हम निकाले तो रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए बाय एल। ये आपका क्या हो गया? आर इंटू ए बाय एल। अब रो की यूनिट, रो इज नोन टू बी रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी, रो इज रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस से रिलेटेड है। आर रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है? ओम। एरिया जो हम यहाँ पर स्टैंडर्ड ले रहे हैं वो सेंटीमीटर में ले रहे हैं। किस में ले रहे हैं? सेंटीमीटर। तो एरिया अगर सेंटीमीटर स्क्वायर में है और लेंथ आपका क्या है भाई, ये यूनिट क्या होगी? सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन सेंटीमीटर। तो ओम सेंटीमीटर आ गया है या नहीं आ गया आपका? ओम सेंटीमीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब एक चीज और है, यहाँ पर हमने इसे एल बाय ए पढ़ा, ठीक है, एल बाय ए, दिस इज डिनोटेड एट जी स्टार, विच इज सेल कॉन्स्टेंट। सेल कॉन्स्टेंट मीन्स हर सेल का एक कॉन्स्टेंट होता है। वो कॉन्स्टेंट क्या होता है? जो आपका सेल बना होगा, ठीक है, जो आपका सेल बना होगा, जो भी आप सेल बना होगा उसका कुछ एरिया होगा और उसका कोई लेंथ होगा। उस लेंथ को जब आप एरिया से डिवाइड करते हो तो एक वैल्यू निकल के आती है, दैट इज नोन टू बी अ सेल कॉन्स्टेंट एंड इट इज डिनोटेड बाय जी स्टार, सेल कॉन्स्टेंट एल बाय ए। यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट इज सेंटीमीटर इनवर्स, बिकॉज लेंथ अपॉन एरिया है। अब यहाँ से हमारा रेजिस्टिविटी हमने पढ़ लिया रेजिस्टेंस से रिलेटेड। अब हम देखते हैं एक और टर्म होती है कंडक्टिविटी। यहाँ मैं इसे लिखा रहने देती हूँ। एक और टर्म आती है आपकी कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी या फिर हम उसको स्पेसिफिक कंडक्टिविटी भी बोलते हैं। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इट इज डिनोटेड बाय के, विच इज नोन एज कापा। क्या हम इसको बोलते हैं? कापा। एंड इट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी, वन अपॉन रो। कंडक्टिविटी इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी एंड इट, अगर आप इसे वन अपॉन रो लिखो, इट इज वन अपॉन आर इंटू एल अपॉन ए, और इसकी यूनिट हो जाएगी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। आप यहां से इस वैल्यू को लिख के देख लीजिए, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी आपकी आ गई। यहां से हमारा मेन चीज शुरू होता है स्पेसिफिक कंडक्टिविटी से। स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज द इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी का इनवर्स किया तो ये मेरा इक्वेशन आया ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। अब इसे हम अपने इलेक्ट्रोलाइट से कैसे रिलेट करें, ठीक है? तो आप अगर आप यहां पर एक टर्म देख रहे हो लेंथ और एरिया, आप देख रहे हो लेंथ और एरिया एक टर्म। यहां पर हम इस, अभी तक हम सेल कॉन्स्टेंट की बात कर रहे थे, अब हम इस लेंथ और एरिया को रिलेट करते हैं अपने सॉल्यूशन के वॉल्यूम से। अगर आपने देखा, अगर आप लेंथ को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो तो आपको क्या मिल जाता है? वॉल्यूम। क्या मिल जाता है? वॉल्यूम। तो जो आपके केमिस्ट थे उन्होंने दे विल रिलेट दिस स्पेसिफिक कंडक्टिविटी फ्रॉम फिजिक्स टू केमिस्ट्री। फिजिक्स में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट से केमिस्ट्री के आयनिक आयंस के कॉन्सेप्ट में से लेकर आए स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। आपको ये सारे टर्म्स तो याद रखने, ये सारे फॉर्मूले तो याद रखने हैं, ठीक है, क्योंकि इनके बेसिस पे न्यूमेरिकल आ जाता है कभी कभी, बट जो मेन आता है न्यूमेरिकल वो हम आगे बताएंगे। अब हम बात करेंगे स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की। अब हम बात किसकी करेंगे? स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, इसे सिंपल कंडक्टिविटी भी बोलते हैं, इट इज नोटेड एज कापा, ठीक है। केमिस्ट्री में इसे डिफाइन करते हैं, कंडक्टेंस ऑफ वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। कैसे? देखिए, इफ यू आर टेकिंग अ बीकर, आपने उसमें इलेक्ट्रॉन फिल किया है, उसमें आयंस हैं, दीज आर नोन टू बी आयंस। ये आपके क्या है? आयंस है, ठीक है, दीज आर आयंस। अब आपसे मैं कहूँ इसका वन यूनिट वॉल्यूम निकालो, मतलब जो भी यूनिट आपको बोली जाए, वन ml या कुछ भी बोली जाए, सपोज करो मैंने इसका वन यूनिट वॉल्यूम निकाला, दैट इज वन यूनिट वॉल्यूम, ठीक है।
तो इस वन यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस हैं, उन आयंस की वजह से जो कंडक्टिविटी होती है दैट इज नोन टू बी कप्पा. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी इज डिफाइंड एज द कंडक्टेंस ड्यू टू वन यूनिट वॉल्यूम, कंडक्टेंस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन, सॉरी कंडक्टेंस ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन यूनिट वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यानी एक यूनिट वॉल्यूम में जितने आयंस होंगे उनकी वजह से जो कंडक्टेंस होगी दैट इज नोन टू बी स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. उसे हम क्या बोलेंगे, स्पेसिफिक कंडक्टिविटी बोलेंगे. ये आपको याद रखना है ये डायग्राम भी कि मैंने वन यूनिट वॉल्यूम बोला है. यहाँ पर एक यूनिट वॉल्यूम में जितने भी आयंस हैं उसकी वजह से जो कंडक्टिविटी होगी दैट इज योर स्पेसिफिक कंडक्टिविटी. ठीक है, अब आपने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी की यूनिट देखा, इट इज ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. ठीक है, अब एक और हमारी कंडक्टिविटी आती है दैट इज मोलर कंडक्टेंस. क्या आती है, मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस. एंड इट इज डिनोटेड एज लैम्डा एम. मतलब लैम्डा नहीं, इस तरीके का हम साइन डिनोट करते हैं लैम्डा एम. मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस का मतलब क्या, एज द नेम इंप्लाइज कंडक्टेंस ऑफ, कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ आयंस. कंडक्टेंस ड्यू टू वन मोल ऑफ आयंस, वन मोल आयंस की वजह से जो कंडक्टेंस होगी दैट इज योर मोलर कंडक्टेंस. अब आप यहां ध्यान दीजिएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस नंबर ऑफ आयन प्रेजेंट इन वन यूनिट वॉल्यूम, और मोलर कंडक्टेंस द कंडक्टेंस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ वन मोल ऑफ आयन. और इसका फॉर्मूला होता है लैम्डा एम इज इक्वल्स टू कप्पा बाय सी. सी इज योर कंसेंट्रेशन इन मोलारिटी. ये किस टर्म में हम लेते हैं, मोलारिटी हम टर्म में लेते हैं, कप्पा अपॉन मोलारिटी. अब इसकी यूनिट का कुछ कन्वर्जन है, बिकॉज स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को आप हमेशा इसी यूनिट में लीजिएगा, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स, जनरली वैल्यू भी इसी यूनिट में होती है. इस फॉर्मूले की यूनिट को हम थोड़ा सा और डिफाइन करते हैं. दिस इज योर, यहाँ पर लिख लियो लैम्डा है मोलर कंडक्टेंस कप्पा अपॉन मोलारिटी, कंसेंट्रेशन यहाँ पर है. कप्पा की यूनिट क्या है, ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स. और आपकी जो कंसेंट्रेशन मीन्स आप मोलारिटी ले रहे हो, यहाँ पे मोलारिटी की क्या होती है, मोल पर डेसीमीटर क्यूब. जब आप इस डेसीमीटर को ही सेंटीमीटर में चेंज करोगे तो जो आपका इक्वेशन आएगा दैट इज कप्पा इनटू 1000 अपॉन सी, दैट इज कंसेंट्रेशन इन मोलारिटी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स. आप चाहे तो इसे कन्वर्ट करके देख लेना, बिकॉज आपका जो वन डेसीमीटर होता है दैट इज इक्वल्स टू 10 सेंटीमीटर. तो यहाँ पर आप वैल्यू रखोगे 1/1000 आएगा, वो 1000 ऊपर चला जाएगा, सेंटीमीटर माइनस में आएगा. वैल्यू पुट करके देखना, ये वाली आपका यही यूनिट आएगी. तो ये फॉर्मूला है दैट यू हैव टू लर्न फॉर कैलकुलेटिंग द मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइट. ठीक है, तो ये इतना है आपका. तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी हैव डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक कंडक्टिविटी, वी हैव डिस्कस अबाउट मोलर कंडक्टेंस ऑफ अ सॉल्यूशन. हमने स्पेसिफिक कंडक्टिविटी को देखा, मोलर कंडक्टेंस को देखा. स्पेसिफिक कंडक्टिविटी द कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, और जो आपका मोलर कंडक्टेंस है दैट इज कंडक्टेंस ऑफ वन मोल ऑफ आयंस. अब हम जहां पर इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को बोला, हमें ये पढ़ना है. वहां पर मैंने आपको बोला आपको दो चीजें याद रखनी है, दैट कंडक्टेंस डिपेंड ऑन मोबिलिटी ऑफ आयंस एंड नंबर ऑफ आयंस. जितना ज्यादा ये दोनों टर्म होंगी कंडक्टेंस उतनी ज्यादा होगी. ठीक है, अब हम देखते हैं अगर आप किसी भी सॉल्यूशन में डाइल्यूशन करते जाओ, क्या करते जाओ, डाइल्यूशन करो, मतलब अगर आप किसी भी इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करते जाओगे तो व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन पे क्या इफेक्ट पड़ता है, वो चीजें हम अब देखते हैं जरा. चलिए थोड़ा सा मैं इसको आपको बता दे दूं. पहले हम दो चीजों को डिस्कस कर देते हैं. एक हमारा होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एक आपका होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट. अगर मैं एग्जांपल लू स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वीक इलेक्ट्रोलाइट, तो सपोज करो अगर मैं यहाँ पर HCl ले रही हूँ, इट इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बिकॉज इट विल कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन. यहाँ पर मैं ले रही हूँ वीक इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, ये क्या होता है, इट विल नॉट कंप्लीटली डिसोसिएट इनटू आयन. ये हमारा हो गया. ठीक है, ये स्ट्रॉन्ग है, ये वीक है. अब आप मुझे बताइए नंबर ऑफ आयन ज्यादा किसमें होंगे, मोर नंबर ऑफ आयंस, ऑब्वियसली बात है स्ट्रॉन्ग के केस में ज्यादा नंबर ऑफ आयंस होते हैं, और इसके केस में क्या होते हैं, लेस नंबर ऑफ आयंस.
ठीक है, यानी ऑलरेडी इसमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में देयर आर मोर नंबर ऑफ आयंस, तो एक चीज तो क्लियर है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हैव मोर कंडक्टेंस एज कंपेयर टू वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब अगर आप डाइल्यूशन की बात करो तो जब आप पानी ऐड करते हो, ठीक है, तो पानी ऐड करने पर आयंस क्या होंगे, दूर दूर होंगे या नहीं होंगे? भाई आयंस अगर पास पास है, सपोज करो ये आपका सॉल्यूशन है, इसमें आयंस पास पास है, अब आप इसमें और पानी ऐड करो तो वॉल्यूम बढ़ेगा, आयंस को और स्पेस मिल जाएगा, आयंस दूर दूर हो जाएंगे, जब आयंस दूर होंगे दे विल मूव फ्रीली, फ्रीली अगर वो मूव करेंगे देयर कंडक्टेंस विल इंक्रीज। यानी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट अगर आप वाटर ऐड करते हो तो आपकी कंडक्टेंस क्या होती है, इंक्रीज होती है, क्योंकि मोबिलिटी इंक्रीज हो रहा है। लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में क्या होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट में आपने पढ़ा भी होगा व्हेन यू डाइल्यूट द वीक इलेक्ट्रोलाइट द नंबर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल इंक्रीज, अल्फा इंक्रीज होता है या नहीं, ये तो हमने क्वेश्चंस में भी देखा है, अल्फा विल इंक्रीज ऑन डाइल्यूशन, तो यहाँ पर नंबर ऑफ आयन भी इंक्रीज होंगे और मोबिलिटी भी इंक्रीज होगी, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी ऑन डाइल्यूशन। लेकिन इससे पहले हम लोग पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी। अब हमारा जो टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस में वो क्या है, सबसे पहले हमें डाइल्यूशन का इफेक्ट देखना है ऑन स्पेसिफिक कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, उसके बाद हमें डाइल्यूशन का इफेक्ट चेक करना है ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू कंप्लीट विद दिस इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस पार्ट। थैंक यू सो मच फॉर टुडे क्लास, एंड यू प्लीज प्रैक्टिस द न्यूमेरिकल दैट इज बेस्ड ऑन द फैराडेज लॉ एंड नर्स्ट इक्वेशन, पे जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड है एनसीईआरटी के वो सब आप लोग सॉल्व करके देखिएगा। थैंक यू सो मच।